हेलो एड वेलकम आई एम राजदीप चंद्राकर एंड आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एट अभिमन्युआ अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी एडियाबेटिक प्रोसेसेस। अगर उससे रिलेटेड हमें कोई पी वाई क्यूज देखना है तो यूजली फिल्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रोसेस से नहीं देते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी ऑप्शनल के लिए नॉट फॉर जी एस पर्पेस बट अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड या नॉर्मली वॉट आर एडियाबेटिक प्रोसेस तो वी कैन राइट कैन सी फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फोलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट नंबर वन एडियाबैटिक प्रोसेस इन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर विधराउंडिंग एनवायरमेंट हमने अभी अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस मीन दैट दिबल दट इज द एयर पार्सल इज इम्पासिबल इम्प्रेगनेबल so this statement becomes incorrect second statement in non adiabatic processes heat is gained or lost because of latent heat of not compensation it is condensation latent heat of condensation हमने देखा था कि adiabatic processes के सिनेरियो में latent heat of condensation के चलते wet adiabatic lapse rate और dry adiabatic lapse rate का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज़ The latent heat of condensation scenario is related to the rising or falling air parcel because of which water vapor is getting condensed, because of which the temperature inside the water vapor rises. That is, latent heat of condensation is released, energy is released because work is being done by the air parcel. Both these statements are incorrect, hence, T will be our. राइट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न सो नॉर्मली अगर हमें देखना है कि आर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में एयर पार्सल जो है वो इम्पासीबल होता है दैट इज देर इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ दिस सराउंडिंग एनवायरमेंट विद एयर पार्सल वहीं नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस में बिकॉज ऑफ कंडक्शन देर इज एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर विद दिस सराउंडिंग एनवायरमेंट

एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी के चलते जो पॉल्यूशन लेवल होता है वो भी ज़्यादा होता है कामर कंडीशन भी क्रिएट होता है काम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदर द कंडीशन वेदर द एयर इज विंडी विंड वहाँ पर है कि नहीं साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो रही है कि नहीं उस सिनेरियो में ये काम कंडीशन एंड एटमोस्फेरिक इनस्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू हैवी रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्ड दैट इज इन एडियाबैटिक प्रोसेस एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी के कंडीशन में आपके काम कंडीशन होंगे और एटमोस्फेरिक इनस्टेबिलिटी के कंडीशन में कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर हैवी रेनफॉल का सीनारियो क्रिएट होगा स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के, के केसेस में ये देखा है कि आपका जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट के सीनारियों में क्या रिलेशन इस क्वेश्चन को आप अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का सिनेरियो ध्यान रखना है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट फिन तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डील कर सकते हैं